गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक 1.6 कुलाम्स लॉ, चैप्टर 1, क्लास 12। कुलाम्स लॉ। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स आर हेयर, दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, से दिस ऑब्जेक्ट इज़ ए, दिस ऑब्जेक्ट इज़ बी, and there center to center separation is small r. So according to Coulomb's, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of two charges. Suppose this object contains charge q1 and this object contains charge q2, and the force between them is inversely proportional to square of distance between them. So whenever you combine both this equation, you will get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. This follow the inverse square law. Do you remember the force of gravitation, where you have written F is equal to Gm1 M2 upon R square. G stands for universal gravitational constant. So again I have to put here constant, that is K Q1 Q2 upon R square. This is the Coulomb's formula for calculating the force between the two charges. Puri kahani aati hai iske upar. Is K ki formula kya hota hai? Is K ka formula hota hai 1 upon 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught. Epsilon naught. Is K ki value hoti hai 9 into 10 to the power 9 unit hoti hai Newton meter square upon कुलाम स्क्वायर. और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर फ्री स्पेस और वैक्यूम की जगह कोई मीडियम हो तो उसके जगह यूज़ करते हैं एप्साइलन. इसे बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए आता है एप्साइलन आर. एप्साइलन का मतलब परमिटिविटी और आर का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी. इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. याद कर लेना इसे एप्सिलॉन आर, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, विच इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. दिस इज नोन एज कुलाम्स फॉर्मूला. ओके, नाउ जस्ट आई एम अगेन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कुलाम्स फोर्स. एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अगेन यू आर गोइंग टू राइट के क्या है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर बेटा किसी बात करते हैं मीडियम की, फोर्स इन मीडियम, तो देखो 1 एज इट इज है, 4 एज इट इज है, पाई एज इट इज है. दिस एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस बाई सिंपल एप्सिलॉन और ये आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. By using the formula, epsilon r किसके इक्वल होता है? Epsilon upon epsilon naught. और epsilon किसके इक्वल होगा? Epsilon naught epsilon r, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. Now put the value of epsilon in equation 2. तो FM, force in medium 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon r square. Now FM is equal to, मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square multiplied by 1 upon epsilon R. और this is equal to F. So I will write Fm is equal to F upon epsilon R. This formula you have to learn, this is very important. Okay, इस epsilon R को बोलते हैं relative permittivity. और इसका दूसरा नाम क्या है? Dielectric कॉन्स्टेंट, जिसको हम कैपिटल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आपको ये वैल्यू याद करनी है तीन के लिए.
एक तो आपका वैक्यूम जो पता है आपको, वैक्यूम और एयर, जिसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। फिर याद करना है आपको वाटर के लिए, वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 81। फिर आपको याद करना है मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कुलाम फोर्स। बड़ा बहुत सिंपल सा है। अगेन मैं एक दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका ये ऑब्जेक्ट ए का सेंटर, ये ऑब्जेक्ट बी का सेंटर, इसका चार्ज कितना है Q1, इसका चार्ज कितना है Q2, ये दोनों के बीच का सेपरेशन। सपोज दोनों लाइक चार्जेस है, सुनना बहुत अच्छे से, सपोज दोनों लाइक चार्जेस है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करते हैं, तो इसको बाहर भगाएगा। तो बाहर भगाने का मतलब है ये एरो ऐसे लग जाएगा। ओके बेटा, ये किस पे कैसे फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ। इसे हम लिखेंगे F21। F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। सिमिलरली ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वापस एरो कैसे लगेगा, बाहर की तरफ। क्या लिखोगे यहाँ पे, F12। F12 स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक बात नोट किया आपने कि जो फोर्सेस हैं वो उस लाइन के अलोंग लग रहे हैं जो उनके सेंटर को मिला रही है। एम आई राइट रॉन्ग, ये फोर्सेस उस लाइन के अलोंग लग रहे हैं जो उनके सेंटर को मिला रही है, इसीलिए आपका आपका कुलाम फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। दूसरी चीज़ है लाइक ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो याद आ रहा है चैप्टर 6, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। सो दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सिंस दे आर अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ हम लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F vector 21। इक्वल साइन क्यों, बिकॉज इक्वल है, माइनस साइन क्यों, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। दिस वन क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बेटा, तो मैं आपको बस कुछ प्रॉपर्टीज भी याद दिलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए, और आप सोच समझ के आंसर देना। एक ऑब्जेक्ट है ए, इसके पास में चार्ज है सपोज 2Q। एक ऑब्जेक्ट है बी, इसके इसके इसका चार्जेस है सपोज 4Q, और दोनों के बीच की कुछ सेपरेशन स्मॉल आर मान लो, ठीक है। तो फोर्स क्या लिखोगे आप लिखोगे F = K Q1 Q2 / R2। तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा, 8 K Q² / R2। अब आपसे पता क्या आस किया जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, और टच करने के बाद दोनों को आपने वापस उसी सेपरेशन पर रख दिया। सेपरेशन तो सेम ही है, लेकिन दोनों को टच करने के बाद, तो टच करोगे तो आपको याद है चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। तो 2Q + 4Q कितना आ गया, 6Q, और 6Q / 2 कितना आ जाएगा, 3Q। तो इसको कितना आ गया चार्ज, 3Q, यहाँ भी कितना आ गया, 3Q। नाउ F के Q1 Q2 / R2। सो F कितना आ गया, 9 K Q² / R2। सो F बिकम्स, यहाँ से अपन क्या करेंगे बेटा, K Q² / R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो किसके इक्वल होगी, F/8 के। वो यहाँ पुट कर दो, तो 9 F/8, दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सो दिस इज द टॉपिक 1.6। एंड आउट, थैंक यू।